जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे किसानों को उनकी उपज का सही दाम देने, जो वादा किया उसे पूरा करने, अन्नदाताओं की झोली भरने और उनके जीवन को सुखमय बनाने। भूपेश ने एक योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की है और इस योजना का नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। एक ऐसी योजना जिसके माध्यम से सरकार किसानों के साथ न्याय करने में लगी हुई है और इस योजना की शुरुआत 21 मई 2020 से हो चुकी है, लेकिन योजना के तहत किसानों को लाभ देने का सिलसिला लगातार जारी है। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले किसानों को भूपेश से सरकार ने 20 अगस्त 2020 को राजीव गांधी की जयंती के मौके पर दूसरी किस्त दी और इस दूसरी किस्त में एक बार फिर छत्तीसगढ़ के तमाम किसानों के हिस्से 1500 करोड़ रुपए आए। खास बात ये रही, जयंती विशेष के मौके पर भूपेश सरकार के साथ मौजूद रहे राहुल गांधी। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भूपेश सरकार ने फिर किया किसानों के साथ न्याय, किसानों के हिस्से आया 1500 करोड़ की राशि। राजीव गांधी की जयंती पर दी गई दूसरी किस्त। 19 लाख किसानों को पहुंच रहा है फायदा। सरकार ने पूरा किया किसानों से किया वादा। जी हां, छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार वादा पूरा करने वाली सरकार बन रही है। किसानों के मामले में जिस संवेदनशीलता के साथ भूपेश सरकार ने काम किया है वह दूसरे राज्यों के लिए अनुकरणीय है। किसानों को 2500 रुपए समर्थन मूल्य देने का वादा कर सत्ता में आने वाली सरकार किसान हितों में 100% खरी उतरी है। सरकार ने किसानों के साथ न्याय करने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है। उस योजना के तहत राजीव गांधी की जयंती के मौके पर भूपेश सरकार ने दूसरी किस्त की राशि किसानों के लिए जारी कर दी। 20 अगस्त को कैबिनेट की बैठक के बाद राहुल गांधी की मौजूदगी में किसानों को दूसरी किस्त की राशि प्रदान की गई। भूपेश बघेल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने देश को नई ऊंचाइयों में ले जाने का सपना देखा था। संचार क्रांति, कंप्यूटर, 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार, पंचायत राज की स्थापना और अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए वे लगातार काम करते रहे। किसानों और गरीबों के प्रति राजीव गांधी समर्पित रहे। उन्होंने जानकारी दी कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत 21 मई 2020 को राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर की गई थी। उसी दिन पहली किस्त के 1500 करोड़ रुपए 19 लाख किसानों के खाते में सीधे अंतरित किए गए थे। छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना के तहत किसानों को 4 किस्तों में 5,750 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि दी जा रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना 21 मई 2020 को योजना की हुई थी शुरुआत। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर हुई थी शुरुआत। 4 किस्तों में 5,750 करोड़ की दी जाएगी राशि। अब तक 2 किस्तों में दी गई 3,000 करोड़ की राशि। दूसरी किस्त में 19 लाख किसानों को हुआ फायदा और उनके ही सपनों को साकार करने के लिए आदरणीय सोनिया जी ने और राहुल जी ने जो हम लोगों को निर्देश दिया उसके अनुरूप आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ न्याय करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना जिसके पहले किस्त 21 मई को राजीव जी के शहादत के दिन हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, वही आज उनके जयंती के अवसर पर दूसरी किस्त जिसमें 1500 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में डाले जाएंगे, जिसमें सीमांत कृषक 9,55,531, लघु कृषक 5,61,532 और दीर्घ कृषक 3,23,538
कुल मिला के 18,38,592 किसानों को आज 1500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की जाएगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों के जीवन में खुशहाली लाने वाली योजना है। एक ऐसी योजना जिसके जरिए हम किसानों को मजबूत करने में लगे हैं। कांग्रेस सरकार ने जो वादा किसानों से किया था उसे पूरा किया है। किसानों को हम जितना सशक्त करेंगे छत्तीसगढ़ को उतना ही समृद्ध करेंगे। किसान तो अर्थव्यवस्था की जान है। बिना कृषि और किसानों के कोई भी राज्य तरक्की की सीढ़ी को नहीं चढ़ सकता। किसान के हित में जो भी संभव है वो सारे निर्णय राज्य की भूपेश सरकार ले रही है। हमने इस वर्ष भी कहा है कि किसानों का धान समर्थन मूल्य के साथ ही खरीदेंगे। किसानों के साथ अब छत्तीसगढ़ में न्याय और सिर्फ न्याय ही होगा। साल भी हमारे किसानों के खाते में पूरा पैसा जाएगा और जिस तारीख से हम धान खरीदी शुरू करेंगे उस दिन से भी हम किसानों के खाते में पूरा पैसा देंगे। किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय ब्रिजमोहन जी को ये लगता है कि उनकी सरकार 200 रुपया 270 की घोषणा करके नहीं दे पाई, उनकी सरकार 300 रुपया बोनस का घोषणा करके नहीं दे पाई, उनकी सरकार ने 2100 रुपया कीमत घोषित करके भी 5 साल नहीं दे पाई, तो ये उनका हस्त्र वो जानते हैं। हम अपने किसानों को अपना वायदा पूरा करेंगे, हम अपने किसानों को पूरा पैसा देंगे। किसानों को दूसरी किस्त जारी करने के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार किसानों गरीबों आदिवासियों मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली सरकार है। छत्तीसगढ़ राज्य में इन वर्गों की भलाई के लिए राज्य सरकार बेहतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम किसानों गरीबों आदिवासियों मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम करते रहेंगे। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान को आगे ले जाने वाले यही लोग हैं। इनके हितों की रक्षा किए बिना देश आगे नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश में दो अर्थव्यवस्थाएं हैं, एक संगठित अर्थव्यवस्था जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं, दूसरी असंगठित अर्थव्यवस्था जिसमें हमारे किसान मजदूर छोटे दुकानदार लाखों करोड़ों गरीब लोग हैं। हमारी सरकारें दोनों अर्थव्यवस्थाओं में संतुलन बनाकर काम कर रही है। भूपेश सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए बधाई के पात्र हैं। छत्तीसगढ़ में जो हम काम कर रहे हैं गरीबों के लिए आदिवासियों के लिए किसानों के लिए मजदूरों के लिए उसके बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहूँ। आज हमने किसानों को पैसा दिया और हमारी जो सरकार है वो एक प्रकार से गरीबों की रक्षा करने वाली सरकार, और हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि हिंदुस्तान को चलाने वाले लोग हिंदुस्तान को आगे ले जाने वाले लोग हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, बेरोजगार युवा हैं। तो छत्तीसगढ़ इस मामले में जो पायनियरिंग काम कर रहा है चाहे वो योजनाओं के थ्रू हो, चाहे वो डायरेक्ट किसानों को पैसा देने की बात हो, चाहे वो आदिवासियों की मदद करने की बात हो, वो एक प्रकार से पायनियरिंग काम कर रहा है। वास्तव में राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ के किसानों के जीवन को कैसे खुशहाल बना रही है यह जानना हो तो आपको प्रदेश के गांव में घूमना होगा। वैसे आगे इस कड़ी में आपको उन गांवों में भी ले चलेंगे, उन किसानों से भी मिलवाएंगे जो स्वयं के साथ नवा छत्तीसगढ़ को गढ़ने में लगे हुए हैं। लेकिन बात आज की विशेष स्टोरी में तो दूसरी किस्त देने की थी। जैसे सरकार ने अपने वादे के मुताबिक 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती के मौके पर दे दिया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर गांव में अब यही चर्चा है। करे रहेस मुखिया जैन तय वादा ओला हस निभाए सिरतोन में ये योजना ले किसान मन संग होवा थे न्याय। वैभव सिंह पांडे स्वराज एक्सप्रेस रायपुर। बुलेटिन में तो ही, लेकिन कुछ और खबरों के अपडेट के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल @SwarajChannel। साथ ही आप हमें सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन
को प्रेस करना ना भूले, जिसकी वजह से जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुंचेगा। और इसके साथ ही आप हमें फेसबुक आईजी और पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं।